हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि सिंपल रेसिपीज़। मैं बनाने वाली हूँ आज मैदे की पूरी। मैदे की पूरी बनाने में सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है कि मैदे की पूरी जल्दी सॉफ़्ट नहीं बनती, और अगर ऐसा आटा गूंदो तो वो बेलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और अगर बनाकर रख दो तो बाद में ये रबड़ के जैसी हो जाती है। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बनाऊंगी जिससे कि ये पूरी बिल्कुल सॉफ्ट बने और बेलने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, और अगर आप इसे रख कर भी खाएँ तो भी ये रबड़ की तरह ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, उसमें मैं 1 कप मैदा यूज़ करूँगी, और जिस कप से मैंने मैदा लिया है उसी कप से मैं 1/2 कप इसमें आटा यूज़ करूँगी। आटा आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे सुपर फाइन आटा यूज़ किया है। इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है, 1/4 टीस्पून के आसपास। बाकी आप मैदा अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो नमक भी थोड़ा सा बढ़ा दें। इसके बाद मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालूंगी, मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आप इसे एक फोक की मदद से मिक्स कर दें। उसके बाद सबसे जो मेन ट्रिक है वो शुरू करेंगे, हम हाथ से इसे क्रम्बल करेंगे। है तो ये आटा ही, पर हमें इसे हाथ से अच्छे से क्रम्बल होने तक मिक्स करना है ताकि ये अच्छा सा एक मतलब डो तैयार हो इसका। देखिए मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ, तभी मैंने इस वीडियो को फास्ट नहीं किया है ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। इसे इस तरह से मिलाकर अच्छे से सारे आटे को हर जगह से लेकर और अच्छे से मसल मसल कर इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि हमारा आटा मिक्स हो चुका है। हमें इस तरह से आटे को बांधना है अपने हाथों में और उसके बाद देखना है कि वो अच्छे से एक मोल्ड जैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। जब ये होना शुरू हो जाए इसका मतलब आपका आटा अच्छे से ऑयल में मिक्स हो चुका है। और ऑयल ज़्यादा यूज़ ना करें, 1 टेबल स्पून अगर मैंने बताया है 1 कप के लिए, तो आप उसी रेशियो में यूज़ करें। अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे ऑयल तो हमारी पूरियाँ क्रिस्पी हो जाएगी सॉफ्ट होने के बजाय। मैं यहाँ पे गरम पानी यूज़ करूँगी आटा गूंदने के लिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, बिल्कुल ल्यूक वॉर्म है, हल्का गुनगुना है। और इसमें मैं आपको एक टिप बताती हूँ, आप इसमें 1/2 टेबल स्पून के हिसाब से चीनी ज़रूर डालें और उस चीनी को घोल दें अच्छे से। का ध्यान रखें पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना होना चाहिए। अब मैं इस पानी से थोड़ा थोड़ा पानी इस आटे में मिलाऊँगी और इसको गूंदना शुरू करूँगी। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला, एक बार में सारा पानी ना डालें, मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिलाऊंगी और इसे एक सॉफ्ट डो तैयार करूंगी। जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं, वैसे कुछ लोग रोटी का आटा भी सख्त गूंदते हैं, पर इसके लिए हमें बिल्कुल सॉफ्ट आटा चाहिए। मैं इसे गूंद कर अच्छे से फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैं इसे मिला रही हूँ अच्छे से। अब ये आटा एक सार हो चुका है, अभी भी ये मेरे हाथ में थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल और यूज़ करूँगी, 1 टेबल स्पून के करीब। तभी मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि ऑयल कम डालें, ज़्यादा ना डालें। अब मेरे हाथ में भी जो आटा चिपका हुआ है वो भी इसमें आ जाएगा और मेरा हाथ भी साफ़ हो जाएगा और आटा भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। आप चाहे तो अभी इसकी पूरियाँ बना सकते हैं, पर मैं इसे 10-15 मिनट के लिए रख देती हूँ। जितना आप देर रखेंगे इस आटे को उतनी अच्छी आपकी पूरियाँ बनेंगी। आप चाहे तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी पूरियाँ बनेंगी। ये मेरा आटा गूंदना कंप्लीट हो गया, अब मैं इसे हल्का सा ऑयल लगा कर रख दूँगी। कभी भी आटे को बिना ऑयल लगाए इस तरह से अगर आपको रखना हो तो मत रखें, थोड़ा सा ऑयल लगाए और उसे गीले कपड़े से ढक दे या फिर किसी एयरटाइट कंटेनर में लॉक करके उसे बंद करके रखें ताकि उसमें हवा ना जाए, अदरवाइज़ वो आटा सूख जाएगा बिल्कुल। ये मैंने इसे बंद कर दिया, ढक्कन लगा दिया, ये कंटेनर मेरा एयर टाइट है। अब मैं 15 मिनट बाद इसे दिखाती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए आटा बिल्कुल सॉफ्ट है। अब मैं इसे थोड़ा सा मैश करूँगी और थोड़ा सा ही गूँदूँगी, ज़्यादा नहीं। कितना सॉफ्ट हो गया है हमारा ये आटा।
अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बनाना स्टार्ट करूँगी। पहले मैं इसे दो हाफ में डिवाइड करूँगी। इसे टक कर ले थोड़ा सा, उसके बाद इसे दो तीन हाफ में, जितने भी हैं आपके आटा जितना भी है उसे बराबर क्वांटिटी में डिवाइड कर ले, ताकि इससे रोल बनाने में आपको आसानी होगी। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें, लगभग 2 इंच के आसपास ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए, ये मैंने छोटे छोटे इसके पेड़े बना लिया। ये पूरियाँ मोटी नहीं होनी चाहिए, वरना खाने में अच्छी नहीं लगेगी। ये बिल्कुल पतली होनी चाहिए, जैसे हम रोटियाँ बनाते हैं वैसी पतली पतली। अब कुछ लोग रोटियाँ भी मोटी बनाते हैं, तो प्लीज़ इसको मोटा ना बनाए, वरना ये खाने में भी अच्छी नहीं होगी और फूलेगी भी नहीं। मैंने इसे अच्छे से स्मूथ कर लिया है, और मेरा आटा बिल्कुल नरम है, तो मैं यहाँ पे सूखा आटा से इसको बेलूँगी। अगर आपका आटा थोड़ा भी सख्त हो गया है गूनने के बाद, तो प्लीज़ आप ऑयल लगा करके बेलें, ताकि वो पूरियाँ बेलने में आपको ज़रा भी प्रॉब्लम ना हो। मैंने इसमें हल्का सा आटा कोट कर लिया है, ज़्यादा आटा नहीं लगाऊंगी मैं। ये देख लीजिए, बिल्कुल कम आटा लगाया है मैंने इसमें। थोड़ा सा ये चिपकेगा नीचे, पर मैं इसे उठा उठा कर और बार बार हटा कर बेलूँगी। मैं इसे एक रोटी की तरह नहीं बेलूँगी कि हाँ बेल रहे हैं और वो अपने आप गोल हो रहा है। पूरी कभी वैसे गोल नहीं होती है, उसे उठा करके ही बेलना पड़ता है इस तरीके से, तभी मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैं दूसरा भी एक बेल कर आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप उठा कर बेलें, एक बार अप एंड एक बार डाउन, बस। और पतला बेले, मैं इसे कितना पतला बेल रही हूँ आप खुद ही देख लीजिए। इस तरह से मैं 8-10 पूरियाँ बेल लूँगी, उसके बाद मैं इन्हें फ्राई करूँगी। इसे मैं बेलकर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि आपको ये पूरियों का आटा कितना लेना है और इसे कितना बेलना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, पहले हम इसे चेक कर लेंगे। ये मैंने छोटी सी पूरी डाली इसमें, ये देखिए ये फूल कर बाहर आ गई। इसका मतलब हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पूरियाँ फ्राई करेंगे एक एक करके। ये मैंने एक पूरी डाल दी यहाँ पे। अब इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए घुमाते जाएं, जिससे कि ये फूल जाएगी अच्छे से। बिल्कुल हल्के हाथों से करें ये काम, और इसे पलट दें। मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड, उससे ज़्यादा देर इसे ना फ्राई करें। एक साइड, अब दूसरी साइड, और अब इसे हम निकाल देंगे। देखिए कितना अच्छा लाइट गोल्डन कलर आया है, इससे ज़्यादा कलर हमें नहीं चाहिए, वरना हमारी पूरियाँ क्रिस्पी हो जाएंगी। मैं इसे निकाल दूंगी, एक और पूरी डालकर आपको दिखा देती हूँ मैं। ये मैं यहाँ पे दूसरी पूरी डाल रही हूँ। इसे भी उसी तरह से हल्के हाथों से घुमाते हुए हम फुलाते जाएंगे, और साइड्स में दबाएंगे, बीच में नहीं। बीच में दबाने से फटने का डर होता है, तो मैं इसीलिए साइड्स में दबा रही हूँ। इसे पलट दूँगी और फिर से इसके साइड्स में ही हल्का हल्का प्रेस करूँगी मैं। इससे क्या होता है, साइड्स वाले पार्ट जो कच्चे रह जाते हैं फूलने की वजह से, वो नहीं रहेंगे। ये देखिए साइड से इस तरीके से दबा के इसे निकाल ले। फिर ये हो गई हमारी पूरियाँ तैयार। अब मैं आपको इसे सर्व, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है हमारी पूरियाँ, बिल्कुल फुली हुई, और ये अंदर से भी उतनी ही सॉफ्ट है। मैंने इसे आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसे दम आलू के साथ, छोले के साथ, और भी अपने मनपसंद किसी भी ग्रेवी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आलू गोभी की सब्ज़ी का वीडियो भी मेरे चैनल पर है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।